हेलो गाइस, माय नेम इज अंशु एंड आपका वेलकम मेरे चैनल पर। तो भाई आज जो है हमारा नया ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, अपनी बाइक से रिलेटेड है ये। तो अभी हम लोग जल्दी से निकलते हैं अपने मामा घर पे, क्योंकि मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना है। 11 बजने वाले हैं, आप पीछे देख सकते हैं। तो वहाँ पर जल्दी पहुँचना है, फिर या वहाँ के शोरूम जाना है। और क्यों जाना है शोरूम, मैं आपको मामा घर पर पहुँच के बताता हूँ। बाकी चलिए निकलते हैं। तो गाइस मामा घर आ चुके हैं जैसा आप देख रहे हैं, और अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्या हुआ है मेरी बाइक में। एक्चुअली बाइक देखिए अभी ज़्यादा नहीं, 220 या 30 किलोमीटर चली है। ज़्यादा मैं चला नहीं रहा हूँ क्योंकि पहले सर्विस हुई नहीं है, तो रीज़न वो नहीं है। बाइक में क्या हुआ है कि भाई जो आगे के शॉकर है उसकी जो ऑयल सील होती है वो टूट गई है। तो वही हम लोग आज जा रहे हैं कंपनी में दिखाने, और हमने सोचा था कि पहले सर्विस करा लेंगे फिर हम लोग एक ट्रिप के लिए निकलेंगे बाइक के साथ, बट ट्रिप से पहले ही ऐसा हो गया है। तो अभी हम लोग शोरूम जाते हैं लाल बाग वाले में, अगर वहाँ पे काम नहीं बनता तो हमको चिनाइत भी जाना पड़ सकता है। तो बाकी अभी मैं आपको बाहर दिखाता हूँ जाके भाई कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो भाई ये है अपनी बाइक का ये शॉकर आगे वाला, राइट साइड वाला, और इसमें आप ये देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो ये ऑयल निकल रहा है और ये पूरे शॉकर पे भी आ चुका है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये शोरूम से ही डिफ़ॉल्ट था, हम लोग ने पहले देखा नहीं, एंड अब जाके हमें पता चल रहा है कि भाई ये तो ऑयल सील टूटी हुई है। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, इसको दिखा लेंगे हम लोग पूरे। यहाँ पे ये देख रहे हैं ऑयल ऑयल हो गया, अगर ये ज़्यादा फैल जाता तो हमारे डिस्क पे लग जाएगा, उससे ब्रेक नहीं लगेगी। तो बस दिखा लेंगे, कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एंड बाकी आप ये ओडोमीटर में देख ही सकते हैं कितना चली हुई है अभी बाइक, 265 किलोमीटर चली है सिर्फ, और ये प्रॉब्लम आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती हैं। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं शोरूम पे, सर्विस सेंटर। और हम लोग कल आए थे तो भाई कल काम हुआ नहीं, उन्होंने बोला कि 9:30 बजे तक कल आइएगा आप लोग, क्योंकि कल वो लोग बाइक छोड़ने के लिए बोल रहे, तो हमने बोला कि भाई छोड़ नहीं सकते हैं। तो फिलहाल आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमारी बाइक जा रही है लगने, पहली बाइक हमारी अंदर लग रही है। तो 2-2.5 घंटे का काम है और हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या वो लोग करते हैं। बाकी चलिए, पीछे आपको बाइक तो दिख रही होगी, मामा भी दिख रहे होंगे, अभी अंदर जाने वाली है बाइक, तो दिखाता हूँ। तो भाई ये अपनी बाइक अंदर आ चुकी है, वो अंदर खड़ी हुई है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, देखिए आपको, ये देखिए, ये खड़ी अपनी बीस्ट वैम्पायर। भाई अब अपनी बाइक जो है जा रही है सही होने के लिए, उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं लोग, ये देखिए। तो अब जो है ऑयल सील की ठीक हो जाएगी जो टूटी हुई है, 2-2.5 घंटा लगेगा अब इसको ठीक होने में, ये देखिए आप। डबल स्टैंड पे लगा दिया भैया इन लोगों ने, ये देखिए। तो भाई अपनी बाइक खुल गई, ये देखिए टायर निकल गया है, एंड अब इसके शॉकर खोले जा रहे हैं। तो अभी 2-2.5 घंटे में जैसे ही बन के आती है मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी टायर वायर निकल गया है। तो भाई घर आ चुके हैं हम लोग, बाइक सही हो गई हमारी, और जो प्रॉब्लम थी एकदम बढ़िया तरीके से उनने दूर कर दी है। तो बाइक आप नीचे देख सकते हैं खड़ी हुई है, हम ऊपर हैं अभी। तो चलिए इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो भाई शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।